बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अर्शयन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस मलाई तांगड़ी कबाब। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 kg ड्रमस्टिक लिया है। अब हम इसमें थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि इसमें मसाला अंदर तक पहुँच सके। इसमें कट्स लगाने का ये फ़ायदा है कि मसाला भी अंदर तक पहुँचेगा और बहुत डिलीशियस भी बनता है। तो इन सबको हमने कट्स लगा लिया है। तो अब हम इसमें 1 teaspoon सॉल्ट डालेंगे, 2 से 3 teaspoon हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 6 से 7 हरी मिर्च, 8 से 10 काजू, थोड़ा सा हरा धनिया। इन तीनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद हम एक बाउल में डाल लेंगे और साथ ही इसमें 2 teaspoon जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 1/2 cup इसमें दही डाल देंगे, 1 tablespoon पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon के करीब कसूरी मेथी हम अपने हाथों से क्रश कर डालेंगे, थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीने के पत्ते इसको भी हाथों से क्रश कर डालेंगे। तो सॉल्ट यहाँ मैंने 1 teaspoon डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 teaspoon मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ हमने चिकन में जो नमक और नींबू डालकर रखा था इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो अब हम इस मैरिनेशन में चिकन को डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने मसाले में मलाई डालना भूल गई थी, तो अब हम इसमें 2 से 3 tablespoon मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद अब हम इस चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो पूरे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ अब हम एक ग्रिल पैन लेंगे और इसमें ऑयल डालकर गर्म होने के बाद चिकन को इसमें डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से पलट कर हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से ग्रिल मार्क्स ना आना शुरू हो जाए। तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसको स्टोव में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के करीब। या आप इसको ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 teaspoon बटर और 2 teaspoon ऑयल हम इसमें डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बटर यहाँ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो चिकन का बचा हुआ मैरिनेशन है इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर फ्राई करेंगे। तो हमने इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल यहाँ सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें चिकन को डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हल्के हाथ से हमने इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इसको मसालों के साथ फ्राई करते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 cup पानी डाल देंगे। इसको ढककर 5 से 6 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार मलाई तांगड़ी कबाब। आप इसको घी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या बटर नान, पराठा, रोटी वगैरह के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए ये माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।